शुभ नवो वर्ष हो। जी हाँ, आज बंगाली समाज का नया साल का आज पहला दिन है और इस शुभ अवसर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस यूनियन क्लब के संरक्षक वरिष्ठ झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी। आइए हम इनको भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। दादा, शुभ नवो वर्ष हो। आपको भी बहुत बहुत शुभ नव वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा बधाई। पूरा जीवन आनंदमयी हो, आपके साथ आपके पूरे परिवार, आपके जो दर्शकगण हैं सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि कायम हो, इसी के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। दादा, बंगाली समाज जो है वो अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति बेहद जागरूक रहा है, बेहद शांत और बेहद सुशिक्षित समाज कहा जाता है, तो इस समाज की इस कुछ ऐसी खास बात बताना चाहेंगे जो कि अगर पूरा भारतवर्ष सीख ले तो बहुत ही सुख शांति और कुछ समृद्धि का माहौल बन सके। नहीं, मैं समझता हूँ केवल बंगाली समाज नहीं, सभी समाज जो है, सभी भाषाएं जो है वो बहुत ही समृद्ध है और भारतीय परंपरा संस्कृति लोगों को इतना समृद्ध बनाता है कि उसको उसका एक अमिट स्थान है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए सभी अपने संस्कृति के साथ, अपने जीवन आदर्श के साथ जीते हैं, उसमें बांग्ला समाज भी सम्मिलित है, और सबका उन्नति हो, सबका शांति और समृद्धि रहे, यही कामना करते हैं। दादा, अंत में पूछना चाहेंगे कि इस नए साल का जब भी जिक्र आता है, जब भी नया साल आता है, तो आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? कौन सी वो मिठाई या कोई ऐसा खास चीज़ जो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? वो तो बिना पूछे आप भी जानते हैं कि बंगाली है तो रसगुल्ला बोलेगा, उसके अलावा तो दूसरा कुछ बोलेगा नहीं। थैंक यू। तो सुना आपने कि हम सभी के साथ साथ सुप्रियो दा को भी बंगाली रसगुल्ला जो है वो मिष्टी रसगुल्ला बहुत ही पसंद है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।